नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार सवेरा न्यूज में और मैं हूँ पिंकी ढिल्लों आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के खास कार्यक्रम 24 हिट की, जिसमें हम लेकर आए केजरीवाल का ऐलान, तिब्बतियों का विद्रोह दिवस, डीयू के विफल छात्रों का प्रदर्शन, आग से आकर सुरक्षा प्लान, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी की तैयारी, अभिनंदन को परमवीर चक्र देने की मांग, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट का उल्लंघन सोनीपत, शहडोल भरतपुर रेवाड़ी तथा अन्य क्षेत्रों की खास खबरें। आइए डालते हैं हमारे आज की खास खबरों पर एक नजर। गठबंधन के बिना ही जीत रहे सातों सीट, बोले अरविंद केजरीवाल। लोकसभा चुनाव में दिल्ली के वोटर पूर्ण राज्य के लिए करेंगे मतदान। 1.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स देने के बावजूद भी केंद्र दिल्ली को विकास हेतु दे रहा सिर्फ 325 करोड़, बोले केजरीवाल। तिब्बतियों के राष्ट्रीय विद्रोह दिवस की 60वीं वर्षगांठ पर तिब्बती कार्यकर्ताओं को चाणक्यपुरी के समीप हिरासत में लिया गया। गणित क्लास नाटक में विफल छात्रों ने डीयू के कुलपति कार्यालय पर किया प्रदर्शन। ऑक्सियन लॉन्च किया सक्षमता, स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्लान। बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पूर्वांचल महापंचायत पार्टी, बोले पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार। ब्राह्मण सभा ने विंग कमांडर अभिनंदन को परमवीर चक्र देने की मांग की। हिंदी एकेडमी दिल्ली द्वारा कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में वसंत उत्सव के नाम से 5 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह का आयोजन। नोएडा में IMS के डिजाइन एंड इनोवेशन अकेडमी DIA में मूल अधिकार विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। नोएडा में झुग्गी वासियों की प्राधिकरण से मांग, फ्लैट नहीं प्लॉट दो। ग्रेटर नोएडा में कासना थाने की पुलिस ने लूट और हत्या के प्रयास के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रसायन विज्ञान का अनुसंधान एवं दवा उद्योग के क्षेत्र में महत्व, बोले रेवाड़ी से डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा। पदक जीतने पर मनीषा चाहर को मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने किया सम्मानित। भरतपुर में जिला स्तर अंतर युवा मंडल खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित। भरतपुर महारानी श्री जया राज के स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय में उपभोक्ता मंच की भूमिका विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित। शहडोल में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। 15 पारदर्शी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लोकसभा निर्वाचन सुनिश्चित हो, शहडोल से बोले कलेक्टर। सोनीपत ने हत्या प्रयास की घटना में संलिप्त आरोपियों को किया गिरफ्तार। ट्रैप लगाकर पुलिस ने चोरी की बाइक सहित आरोपी को दबोचा। सोनीपत को 10 साल पीछे धकेलने वालों को सबक सिखाने का समय, बोले सुरेंद्र पवार। OLED लाइट से आएगा प्रकाश में गुणवत्ता, बोले प्रोफेसर त्रिपाठी। महिलाओं का स्वास्थ्य है महिला सशक्तिकरण का आधार, बोले डॉक्टर रावल। हरियाणा कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन के चेयरमैन सुभाष कत्याल का हुआ जोरदार स्वागत। पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट का उल्लंघन करने पर FIR दर्ज। फरीदाबाद से प्रशासन ने कहा, बड़े माफियाओं पर हो कार्रवाई। आज की खबरों के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की और खबरें और न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार सवेरा न्यूज। धन्यवाद।